चंडीगढ़ तो इस वेले वड्डी खबर मिल रही है। बड़ैल जेल के सामने एक शक्की बैग बरामद होया जिस दे अंदर विस्फोटक समगरी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा होया और SSP चंडीगढ़ भी मौके पर हाजिर ने और लगातार जिहड़ा है डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता ते पुलिस वड्डी गिणती दे विच उत्थे मौजूद ते लगातार आसे पासे दे जिहड़े लोग ने उन्हां नूं दूरी बनाउण दी गल आखी गई है। मौके ते SSP खुद जिहड़े मौजूद ने चंडीगढ़ तो ये तस्वीरां तुहानूं इस वेले सीधियां दिखा रहे हैं जिहड़ा कि बड़ैल जेल दे कोलों एक शक्की बैग हासिल होया और बैग दे विच दस्सिया जा रहा है कि विस्फोटक समगरी होने का खदशा जिस तो बाद पूरे इलाके नूं चौकस कर दिता गया और चौकस रहने दे इस मौके पुलिस दे वलों हदायतां जारी कीतियां गईयां ने। बम निरोधक दस्ता भी जिहड़ा मौके ते पहुंचा होया और पुलिस दे सीनियर अधिकारी ते होर जिहड़े अफसरां तुसीं इस तस्वीरां दे अंदर देख रहे हो जिहड़े कि लगातार उस बैग नूं अपने कब्जे च लैके जिहड़ा है अगे दी कार्रवाई पाते हुए इन्हां तस्वीरां दे विच देख रहे हो जिहड़ी कि सीधियां चंडीगढ़ तो सामने आ रही ने। सो बड़ैल जेल तो यह जिहड़ा शक्की हालात अंदर बैग प्राप्त होया उस तो बाद लगातार पुलिस चौकस है और इलाके दे विच भी चौकसी वरतन की लोगों को अपील की जा रही है और लोगों को हर एक पहलू नूं खास नज़र ना वेखण की गल कही जा रही है। चौकस होके रहने की गल कही गई है पुलिस दे वल्लों। सो तस्वीरां तुहानूं सीधियां दिखा रहे हैं। बज़म साढ़े पत्रकार लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। बज़म कुछ अपडेट इस स्थिति को लेकर जो बड़ैल जेल के सामने लगातार पुलिस मुलाजम और सीनियर अफसरान तैनात ने। देखो बिल्कुल थोड़ा दस दिए कुछ ही देर तक जो है वो कन्फर्म हो जाएगा कि आखिरकार जो बैग के आखिरकार की मटीरियल पाया था क्योंकि जिस तरीके डेटोनेटर की गल की जा रही है होर गल की जा रही ने वह कन्फर्म हो जाएगा जब पुलिस के SSP जिले ने कुलदीप सिंह चहल क्योंकि उत्थे मौके पर मौजूद ने वो झड़पनी गल रखे की कुछ रखते हैं भी चैकिंग की जा रही है कि आस पास क्योंकि तुम्हें देखा होना किस तरीके सील किया गया प्रॉपरली उत्थे भी चैकिंग की जा रही है कि कौन लोग जो ने जो शाम के वेले इस बैग रख के गए ने उस तरीके भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर यह भी चेक किया जा रहा है कि आखिरकार जे विस्फोटक हैगा बैग के अंदर तो आखिरकार कितना क धमाकेदार हैगा है या नहीं है तो नाम के नाल जे नहीं है तो यहोजा की है जरा कि विस्फोटक नाल जरा वो लग सकता है यानी डेटोनेटर की गल की जा रही है वायर की गल की जा रही जी बॉम्बिंग से इस्तेमाल की जाती है तो की कुछ निकलता है इसमें देखना होगा। हालांकि कौन सीगा इसके पिछले मास्टर प्लैन सीगा की सीगा ये देखो अच्छी गल है कि पुलिस ने जरा वो पहला ही आके जरा है उन्होंने इस तरीके बैग में जो है काबू च रख कर लिया नहीं तो जो इस बाद कोई दिक्कत होंगी या बाद से कोई विस्फोटक का समान होता जो ब्लास्ट होता तो कितना वाला नुकसान हो सकता सीगा सिक्योरिटी जी चंडीगढ़ पुलिस की सिक्योरिटी उसने भी सवाल चुके जाते जेल जो सिक्योरिटी उसने भी सवाल चुके जाते तो कितना कितने एक रैपिड एक्शन जो है वो पुलिस फोर्स वालों दिखाया गया कि ट्रक लाने जो है वो पुलिस पहुंची तो उसे बैग दिखा गया तो उस बाद जो है इस तरीके का एक्शन जो है वो लिता गया जी। ठीक है बज़म साढ़े नाल बने रहना इस संबंधी एक बाइट जी है वह सांझी करांगे। जो फौरी तौर पे अभी चेक किया उसमें कुछ जो सस्पेक्टेबल एक्टिविटीज यहाँ पे नोट की गई थी और जब पास में आके देखा था तो कुछ इसमें सस्पेक्टेबल जो ऑब्जेक्शनेबल कुछ मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल कुछ चीज़ें मिली है। बाद में जब हमने बम डिस्पोजल वगैरह की टीम जो बुलाई है तो उसमें हमें ये मिला कि इसमें कोई जली हुई कोडेक्स वायर एंड डेटोनेटर जो प्राइम ऑफिसिस देखने से लगता है और हमारी जो बम डिस्पोजल टीम है उसने भी हमें ये बताया। अभी जो चंडी मंदिर की बम डिस्पोजल टीम वो आ रही है फाइनल उसका आर्मी की यस यस तो फाइनल मुआयना एक बार उनसे कराएंगे तभी हम इसके बारे में।
एसएसपी चंडीगढ़ कुलदीप चाहल जिहड़े है उस संबंध विच जानकारी सांझी कर रहे सीगे कि तफ्तीश जिहड़ी आ करवाई जाऊगी और बजम आसे पासे दे जिहड़े लोग ने इलाके दे लोग ने उन्हां दे लई किस तरीके दी एडवाइजरी कोई जारी की थी? जारी नहीं की गई पर इन्ना जरूर किया गया कि तुसी आस पास जो लोग ने उन्होंने जरूर नजर रखो कि आखिरकार कौन से लोग जो दिख रहे हैं या कौन यहोजे लोग ने जो कि कदम देखते नहीं हो आन गुआन से उस तरीके भी ध्यान देना पैदा क्योंकि थोड़ा दस दिए दिन इस तरीके कोई इस तरीके ब्रेकआउट जो सिस्टम होंगे जेल ब्रेकआउट सिस्टम होंगे तो यह जरूर खुद देखा गया कि लोग जो ने आस पास जिन्होंने किसी जगह जो है वारदात करनी होंगी है वो रैपिड जरूर करते हैं तो इस करके जो आस पास के लोग ने उन्होंने भी जरूर कहा गया कि जो आस पास कोई भी इस तरीके संदिग्ध हालात गड्डी या फिर कोई तो पर रिपोर्ट जरूर करो पर नाल दे नाल पुलिस भी जी है तफ्तीश कर रही है क्योंकि चंडीगढ़ जी सिटी ब्यूटी हम तुम्हें याद होगा कैमरिया का शहर बन चुके हैं हर पास सीसीटीवी कैमरे जो है वो लग चुके हैं तो उतो भी जी है वो तलाश की जाएगी कि आखिरकार कोई संदिग्ध हालात गड्डी या कोई व्यक्ति जो है किसी हाथ में बैग हो कामयाब होगी पूरी होगी असि यह नहीं कह सकते कि होगी या नहीं होगी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जिन्ना मर्जी समा लै सकती है पर यह इन्ना जरूर होगा कि कैमरे जो लगे हुए हैं क्योंकि रात को भी काम करते हैं दिन से भी काम करते हैं तो ये उतों आइडेंटिफाई होंगे तो कितना कितने पुलिस को जो क्लू एक मिल जाता है एक क्लू के नाल हो कई सारे क्लू जो जो जुड़ते गए तो कई एक वड्डा जोड़ा है इस सारे जो हादसा है होना आने वाला बजम हो सकन का सवाल यह है कि जेकर उ इस वे मौके के उ स्थिति नूं देखा जावे भांपिया जावे कि उत्थे चारे पासे कैमरे है जिथे बैग मिले हासिल होया जिथे बैग पिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਰ ਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਗ ਜਿਸ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨਾਪ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੂ ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦਿਗਧ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਗ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।